असल दे विच वड्डे व्यापारियों ते वड्डे कारोबारियों नूं इस रेल का फायदा होगा। रेलवे स्टेशन का तुसीं पूरा माहौल देखो, बीजेपी के जिहड़े आगू ने वो इत्थे पहुंचे हुए ने। तुहानूं केवल सिंह ढिल्लों नाल भी मिलावांगे, पंजाब पुलिस के साबका DGP SS विरक जो BJP के आगू ने वह भी इत्थे पहुंचे ने। केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश बकायदा इत्थे पहुंचणगे ते वड्डे लीडर जिहड़े आ अंबाले तक सफर भी करनगे इस रेल दे विच। इह प्राइवेट रेल है जिहदा किराया आम लोगों की पहुँच में नहीं, पर यह जो व्यापारी ने जिन्हां ने दिल्ली डेली जाना आना हुंदा उसनूं उन्हां नूं इहदा फायदा होएगा। केवल ढिल्लों साडे नाल ने गल करांगे। ढिल्लों साहब, अज तुसीं पहुंचे हो, मेन की प्रोग्राम है इत्थे? देखो, अज यह है जी कि साडे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने इस इलाके नूं बहुत वड्डी सुगात दे रहे आ। उन्ने तों जिहड़े बंदे भारत की ट्रेन वह स्टार्ट कर रहे आ, ऊना नंगल आनंदपुर साहब चंडीगढ़ अंबाला दिल्ली, ये सारा जिहड़ा नॉर्दन जोन आ ये जुड़ जाएगा। ये बहुत वड्डी एक सोच आ कि जदों किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो उत्थे तरक्की होएगी। सो जिन्नियां ट्रेनां चलणगियां आम आदमी पार्टी लई और जिहड़े कि आपां आम आदमी पार्टी लई नहीं, आम लोकां लई, आम लोकां लई, जो भी आम लोकां दे लई, कि इस करके आपां इस करके कह रहे वी आम लोकां नूं सहूलत मिलेगी, ठीक है। उहदे लई ट्रेन जिहड़ी आ सब तों पहलां शुरू तों ट्रेन ही होंदी सी कि जिहड़ा हुण आपणे सड़कां दे उप्पर इन्ना ट्रैफिक दा भार आ रिहा। सो जे ट्रेन होएगी तां सड़कां खाली हो जाणगियां। सो इस करके बहुत वड्डी सोच आ। और जिहड़ी प्रधानमंत्री साहब ने कहा कि मैं हिंदुस्तान दे विच रोड नैटवर्क भी, रेलवे नैटवर्क भी, एयरपोर्ट नैटवर्क भी, सारे समूह तरह के जिन्हें भी साधन आ उन्होंने बहुत विकसित करके ताकि हिंदुस्तान एक दुनिया का बेहतर कंट्री बन सके। उन्होंने विरोधी तरह यह रौला पा रही ने कि सियासी लाहा लैण लई हिमाचल दीआं चोणां आ रहीआं ने, सियासी लाहा लैण वास्ते यह सारा कुछ किया जा रहा है। देखो जी, प्रधानमंत्री साहब जिवें एक ट्रेन आ ये चंडीगढ़ भी जाएगी, ये हरियाणे च भी जाएगी, ये दिल्ली भी जाएगी, हिमाचल भी आएगी। ये लोगों ने जिहड़ा विरोधियों ने कोई काम नहीं करना हुंदा उन्हां कोले बयानबाजी तो बगैर कुछ नहीं, जिहड़ा कोई काम करदा उहनूं कहो भी बहुत वधिया काम कीता। असीं तां बहुत शुक्रगुजार हाँ प्रधानमंत्री साहब दे, भारतीय जनता पार्टी दे, जिहड़ा इन्ना वधिया इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्नी वधिया ट्रेन बंदे भारत जिहड़ी इस इलाके नूं दे रहे आ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਹੀ ਮੰਡੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰੇਲ ਚੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਣ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਆ ਔਰ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਹੈ, ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ 3000 ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਆ। ਤੋ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਇਹ 'ਚ 3000 ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੋਰ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਰੋਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਤਿੰਨੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੀਡਰ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਐਸ ਐਸ ਵਿਰਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਗਰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਕਰਤਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ NRI, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ NRI ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਆ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾ ਭੈਣ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਉਣ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ। ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਦੇਰੀ 15 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕਾਰਪੇਟ ਕਹੀਦਾ ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਦੇਖੋ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇਡ ਇਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਨੇ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਟੌਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸਹੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦਸਤਖਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰੀ ਦਸਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਬੀਂਗ ਫਾਈਨਲ ਅਥੋਰਿਟੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ? ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ, IG ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, SS ਵਿਰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ਼। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਅਹੁਦਾ, ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ? ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
बंदे जिहड़ी ट्रेन है वह शुरुआत की जा रही है अज्ज ते मैं धन्नवाद करदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और भारत सरकार का जिन्होंने बहुत वधिया उपराला किया पंजाबियों नूं भी देशवासियों नूं इस मौके ते बधाई दिंदा ते नाले भी बेनती करदा कि एक जिहड़ी साडी बंगे तो गढ़शंकर और जिहड़ी आनंदपुर साहब की सड़क है ये बहुत टुटी पई है तो डूंघे टोए पए हुए हैं तो इस सड़क बनाउणी बड़ी जरूरी है। श्री आनंदपुर साहब खालसे की जन्म भूमि है इत्थे चिंत नैणा दे भी मंदिर भी इस रस्ते ते आके लोकी मत्था टेकण आउंदे है बाबा बालकनाथ नूं भी आउंदे है और होर भी धार्मिक स्थान है जिथे लोकी जिहड़े अपने नतमस्तक होण लई जांदे है। अज जिहड़ा इत्थे प्रोग्राम आ श्री आनंदपुर साहब रेलवे स्टेशन ते बीजेपी दे आगू नज़र आ रहे ने होर पार्टियां दे आगू नज़र आ रहे बीजेपी इहदे तों सियासी लाहा लैणा चाहुंदी है की लगदा तुहानूं? देखो सारे नूं सद्दा है इह तां कल्ले कोई अपने किसी एक पार्टी का काम नहीं सारे नूं फायदा होना ट्रेन चलण नाल जिहड़ा मर्जी इत्थों जा सकदा अज लेकिन शुरुआत है इस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार वालों की जा रही है इस करके भारतीय जनता पार्टी के लीडर सारे अज मंगल साहब एक दिक्कत आ रही है और पार्किंग वाली थान से पुलिस वाले गड्डियां नहीं लाने दे रहे जिदे नाल सानू भी दिक्कत आई पब्लिक नू भी आई हालांकि आम लोगों का फंक्शन है ये की कहना चाहोगे कि पुलिस नू इन्नी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए जिते पार्किंग सानू कहा गया रे रोड से ला दो सड़क से गड्डी ला दो मैं क्या भी इंडिया तंजू पिछे आ तुसीं कानून नू उल्ट चलदे हो की कहना चाहोगे अजे पुलिस अधिकारियों? बड़ी माड़ी गल है कि देखो पुलिस अपनी गड्डियां तो सारिया जिहड़ी अंदर लिया के ला गई इन्होंने तो जिहड़े प्रेस आ तो जिहड़ी अपने लीडर आ उन्होंने सारे आम लोगों कह रहे कि तुसीं बाहर खड़िया करो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि पार्क बन जिहड़ी पार्किंग बनी हुई है लोगों वास्ते उत्थे आम लोगों की गड्डिया आन देनिया चाहिए बाकी चैकिंग करनी तुसीं करो अपना थोड़ा बनता पुलिस का जिहड़ा पंजाब सरकार बारे की कहोगे हुण एक पासे दुबारे कोटपुरा गोलीकांड मामला उठाया बेअदबी का मामला उठाया दूजे पासे मुख्यमंत्री दी गवर्नर नाल थोड़ी टाई पाई हुई है सारे कास्ते की कहना चाहोगे? गुर साहब बेनती है कि देखो जिहड़े संविधानक अहुदा गवर्नर साहब का उहदा इज्जत मान सत्कार करना चुनी हुई सरकार का फर्ज बनता तो गवर्नर साहब भी सरकार नाल मिल के चलण तो लेकिन जे सरकार उन्होंने पुछे ही ना जिथों जिन्होंने सहुं खाधी है देखो बड़ी माड़ी गल है कि पहली बारी जिहड़ा इत्थे एयर शो परसों 8 तरीक नूं होया चंडीगढ़ दे विच ते राष्ट्रपति साहब साडे सारे देश दे सब तो वड्डे है ते साडे मानयोग मुख्यमंत्री साहब उत्थे पहुंचे नहीं ते इह जिहड़ा साडी सरकार है पंजाब दी इह फेल हो चुकी है इन्हां नूं समझ ही नहीं कि असीं सरकार चलाउणी किद्दां संविधानक अहुदिआं ते बैठे लोकां दा सत्कार किस तरह करना और पंजाब दे लोकां नाल जिहड़े वादे कीते आ उन्हां नूं पूरा करन दी बजाए अज हिमाचल ते गुजरात विच जिहड़ा सारा पैसा खर्च कीता जा रिहा पंजाब दा कल कुमार विश्वास जी ने कहा कि साडे दिल्ली दे नौजवानां नूं पंजाब च रुजगार दिता जा रिहा साडा पैसा जिहड़ा बाहर जा रिहा और साडे नौजवान इत्थे वेहले घूम रहे साडे पुराने साथी प्रकाश सिंह बादल हुण सुखबीर बादल हुण उह गोलीकांड मामलिआं च उलझे होए ने सिट ने अज सुखबीर सिंह बादल नूं बुलाया कल प्रकाश सिंह बादल दी 3 घंटे पेशी हुई है की लगता है कि बाकी जिहड़े सत्ता दे उपर टॉप दी टीसियां ते बैठे ने उह इन्हां मामलिआं दे दोषी ने? देखो जिहड़ा भी अपराधी है गुरु साहब दे बेअदबी दा जिहड़े उत्थे नौजवान कतल किए गए पुलिस दी गोलियां नाल उन्हां नूं सज़ा मिलनी चाहीदी है बड़े लंबे समय तो जांच चल रही है लेकिन यह बड़ी बदकिस्मती है साडे पंजाब दी सिख कौम दी कि अजे तक कोई इंसाफ नहीं मिलिया बाकी सरदार प्रकाश सिंह बादल जी साडे सत्कारयोग है उन्होंने कल सहयोग दिता भावें सेहत ठीक नहीं सी पर जिहड़ा ये पुछगिछ बार बार करनी उन्होंने तो और सुखबीर सिंह बादल तो मैं समझदा कि इन्होंने कोई इंसाफ नहीं देना सरकार ने सिर्फ लोगों की अखां दे विच घट्टा पाया जा रहा। ठीक है सो वक् वक् लोगों नाल भी गल करांगे चहल पहल वाला माहौल रेलवे स्टेशन ते बन गया कुछ अधिकारी कुछ आगू इत्थे पहुंचे हुए ने गल करदे आ सर इधरले पासे आ जाओ पूरा एक बारी माहौल दिखा दिए सिक्योरिटी भी टाइट है लीडर भी पहुंचे ने पूरा सारा माहौल तुसी देखो किस तरह का माहौल है चहल पहल वाला माहौल है तो बीजेपी इस माहौल का फायदा लाना चाहती है कुछ गल कहाँ जी की ना तो की है मैं अशोक बाठ हाँ सर बलाचौर तो बीजेपी का कैंडीडेट सगा रिटायर्ड IPS अफसर हाँ जी हाँ जी कहना चाहोगे अज के इस अफसर से अज का जोड़ा यह फंक्शन है रेल वंदे भारत जी रेल शुरू हो रही है ऊना टू चंडीगढ़ दिल्ली और ये बहुत ही खुशी की गल है साढ़े सारे लिए खास करके साडे इलाके क्योंकि थोड़ा जहा पिछड़ा हुआ इलाका है
साडे इलाके दे विचों जे इस तरह के कनैक्शन दिल्ली दे नाल होणगे तो सानू बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साडा नाल लगदा बलाचौर एरिया हो गया, गढ़शंकर एरिया हो गया, आनंदपुर साहब हो गया, इन्हां नू बहुत ज़्यादा फायदा होगा। बीजेपी दे लीडर दूरों दूरों इत्थे पहुँच गए ने, कि सियासी लाहा लैणा चाहुंदी है बीजेपी? देखो जदों भी कोई पार्टी कोई वड्डा फंक्शन करदी है तो पार्टी दे जिहड़े वर्कर ने जिन्ने लीडर ने उन्हां नू जरूरी है कि उहदे विच शामिल होना हुंदा। सो लाहा लैण वाली गल तो नहीं कह सकते, लोगों लिए अगर कोई चंगा हो रहा है तो आप कोशिश करते हैं कि लोगों का कोई चंगा भला हो तो शामिल होना हर बंदे का फर्ज बनता है। पर प्राइवेट घराने की रेल है जिहदा किराया शताब्दी नूं डबल तो भी ज्यादा है, आम लोगों की पहुँच के विच रेल ये नहीं है, ये VIP लिए कह लो जां कुछ व्यापारी जिहड़े व्यापारी भी जिहड़े अमीर व्यापारी ने उन्हां लई गड्डी आ, आम लोगों का फिर इस रेल का कोई बहुता फायदा नहीं होना। देखो ब्रदर हर तरह की जिवें कमर्शियलाइज हो रहा, देश तरक्की कर रहा, देश दे विच बहुत सारी इंडस्ट्री बहुत सारे नवे नवे काम शुरू हो रहे हैं, सो हर तरह के बंदे ने जिहड़े बंदे अफोर्ड नहीं कर सकते उन्होंने शताब्दी आलरेडी चलती है, जिहड़े अफोर्ड कर सकते हैं जिन्हों का काम कार है जिन्हों के विच कपैसिटी है उन्होंने लिए बहुत वधिया सहूलत है। सो आप ये नहीं कह सकते कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जिन्होंने सब तो वड्डी अजकल की है कि समय की बहुत प्रॉब्लम है, जिहड़ा कोई चंगा काम करना चाहता या फास्ट जिहड़ा इंडस्ट्री डिवेलपमेंट है होर जिन्हें भी काम ने उन्होंने लिए समय की बहुत कदर है। सो जिहड़े अफोर्ड कर सकते उन्होंने लिए या जिहड़ा हर बंदा जिहड़ा काम करता उहदे लिए बहुत अच्छा बेनीफिट होगा। इहदा इहदे नाल दे नाल साडी एक बेनती होर है कि असीं रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार नूं कि शहीद भगत सिंह दा नगा जिला नवांशहर और आनंदपुर साहब ये दोनों ही बड़े मेन पॉइंट्स ने पंजाब के, इन दे विच रेल लिंक नहीं है, तो साड़ी रिक्वेस्ट है कि छेती तो छेती ये रेल लिंक भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आनंदपुर साहब सिखी का धुरा तो आनंद जो शहीद भगत सिंह नगर है वह भगत सिंह का शहीद जरा सा कह सकते हैं, सो ये लिंक होना बहुत जरूरी है। ये कोई कोशिश हुई है पहला कोई सर्वे होया जा कोई तुसी पहला केंद्र कोई आवाज़ उठाई? हाँ ये आप गल की है पहला सेंटर मंत्री साहब हैं जो आए से इलैक्शन के भी साड़ी गल हुई है उन्होंने पै गया होया यह काम कार असं चाहते हैं थोड़ा इनू फास्ट होर किया जाए तो अगे लिए असं होर भी रिक्वेस्ट करा अपने सारे लीडर कि ये तो जोर ला के इनू छेती तो छेती करवाया जाए। एक जी आनंदपुर साहब तो सड़क आती है बाया गढ़शंकर ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि सारा पंजाब आनंदपुर साहब के नाल लिंक इसी रोड के थ्रू होंदा। सो ये हिंदुस्तान के बहुत बड़िया बड़िया रोड जो फोर लेन सिक्स लेनिंग हो गई साड़ी ये सड़क है जी अजे तक रही है ये साड़ी यही भी साड़ी रिक्वेस्ट है कि छेती तो छेती कंप्लीट होनी चाहिए। गडकरी साहब नूं साड़ी ये बेनती है कि ये लिंक छेती होवे। बीजेपी का आधार मजबूत करने वास्ते पंजाब दे विच किस तरह दीआं कोशिशां पार्टी पद्धर ते तुसीं कर रहे हो इन्हां दिनां च? BJP मजबूत होवे असीं जिस तरह देखो बंदे भारत ट्रेन हो गई बड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट आ रहे हैं होर इंडस्ट्री जिनी भी आ सकती है भारत सरकार वालों होर जिन्हें बेनीफिट्स ने जिमें बेनीफिट सरकार बहुत दिंदी पई है जिमें फ्री तुहानू गैस मिलती है किसानों नू 2,000 रुपया उन्हां दे खात्यां दे विच आउंदा है इस तरह लोगों गरीबों घर बना के सरकार दिंदी सेंटर गवर्नमेंट दिंदी नरेगा दे तहत करोड़ों अरबों रुपया जिहड़ा डिवेलपमेंट दे ले आउंदा ये सारे काम सेंटर गवर्नमेंट करदी पई है। सो कई गल्लां दा स्टेट दे विच पता नहीं होंदा। सो एक बार फिर माहौल दिखा दिए रेलवे स्टेशन श्री आनंदपुर साहब का, इत्थे BJP के बड़े जिहड़े लीडर ने वो पहुँच गए ने, चंद मिनटों बाद इत्थे रेलवे भी आ जानी है, वो रेल का ना बंदे भारत भावें कि वह प्राइवेट रेल है जिहदा किराया शताब्दी नों ज़्यादा है, शताब्दी का किराया इत्थों तकरीबन 550 रुपये हैगा दिल्ली का, जबकि बंदे भारत रेल का किराया होएगा 1,350 रुपये, जिहड़ी आम पैसेंजर है आम लोगों लई जिहड़ी रेल है उहदा तकरीबन 175 रुपये है। सो व्यापारी वर्ग लई इहदा भावें फायदा होएगा, 5 घंटे का जिहड़ा सफ़र है इत्थों 5 घंटे का समा लगेगा दिल्ली सफ़र वास्ते, रोज़ाना दिल्ली तो पुणे पुणे तो दिल्ली रेल चलेगी, प्राइवेट घराने दीआं गड्डियां ने। सो देखदे आं आने वाले दिनों दौरान रेलवे ते जिहड़ा निजीकरण का कब्जा होण जा रहा है उहदी इत्थों शुरुआत हो गई है, उस कब्जे का आम लोगों को कितना नुकसान होएगा अमीर लोगों को कितना फायदा होएगा सारे कास्ते साडी नज़र बनी रहेगी। तुसी जुड़े रहना दैनिक सवेरा TV दे नाल, कैमरामैन सनी मल्होत्रा दे नाल दर्शन सिंह खोखर श्री आनंदपुर साहब। बाबा यामीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तुहाडे शहर च पहली बार अद्भुत शक्ति चमत्कार वेखो, देश विदेश बैठे सानू व्हाट्सएप ते भी कॉल कर सक
करते ने घर बैठे 11 मिनटा च 101% गारंटी नाल समाधान वशीकरण ते मुठकरनी दे माहिर सब तो पहला काम करन दा वादा नौकरी प्रमोशन कारोबार च परेशानी घर च झगड़ा बरकत औलाद कहने तो बाहर होना कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चंदबन जादू टोना मनमोड़ी वशीकरण करवाना जा तोड़वाना स्वतंत्र दुश्मन तो छुटकारा सदा ले रुस्से नु मनाना प्यार मोहब्बत बाबा यामीन बंगाली 96435032321।